मेला प्रांगणी विराजमान सभी परमादरणीय बुजुर्ग नौजवान भाई, आदरणीय संचालक महोदय उपस्थित, आदरणीय माननीय पंच कमेटी सन्यासीगढ़, मेरी आवाज को सुनती हुई इस पृथ्वी का श्रृंगार सती सावित्री गुजार देते हैं। भैया धर्मवीर, राधा रानी कृष्ण के भोग में रोने लगी, विलाप करने लगी, लेकिन सुनिएगा क्या कहने लगी। कहा वो तेरे प्यार में काना दीवानी बनी। एक बार सभी से निवेदन, जिस जिसको प्यारे प्रभु ने सुंदर सुंदर दो हाथ दिए हैं, एक बार सभी अपनी जिब्बा को पवित्र करते हुए जोर से प्रेम से भाव से जयकार लगाएं। बोलो बंसी वाले की। आइएगा क्या लिखा। वो तेरे प्यारे में काना दीवानी बनी और वो आस दिल में लगी।
वचनों, विचार कीजिए। गम्मी रोने वाले को हंसाया नहीं जाता, क्यों कहा? गम्मी रोने वाले को हंसाया नहीं जाता और लहरों का पानी कभी हाथों से हटाया नहीं जाता। अरे होने वाले, होने वाले तो खुद ही हो जाते ही अपने, और किसी को कहकर अपना बनाया नहीं। रानी द्रौपदी ने जवाब दिया कि मैं पांडवों की नारी हूँ। भैया धर्मवीर, पापी जयद्रथ ने सुना तो आज वो जयद्रथ रानी द्रौपदी के लिए जवाब दे रहा है। सुनिएगा किस प्रकार क्या जवाब दे रहा है। और ले क्यों पाए
रही कष्टी
दीजिए सजनों, आज जयद्रथ कहलाए कि पांच पत्नी की नार तू है कि, कहा पांच पत्नी की नार तू है कि। श्रद्धे कहा कि पांच पत्नी की नार तू है कि, और या बन बन बीच भटक रही है, अरे करियो राज महल में चल किन पंडवंते कहा भटक रही है। कहने लगा कि रथ में बैठ संग चल मेरे, रथ में बैठ संग चल मेरे, और दुष्ट कहे ओ बानी, और तू बन जा मेरी रानी। आहा सजनों, आज से जवाब को सुना, मानो आसमां फट गया, पैरों तले से जमीन निकल गई। आज भैया धर्मवीर, रानी द्रौपदी रोने लगी, विलाप करने लगी, और किस प्रकार क्या कहने लगी क्या बताया। ध्यान दीजिए क्या होने लगा, अरे और भैया जयद्रथ की, और सुन के ले बानी, और कछु पीछे रानी द्रौपदी ने जवाब दिया जयद्रथ से, कहा कि पापी नीच ठहर जा थोरो, पापी नीच ठहर जा थोरो, क्यों और मैं तुझको बतलाऊंगी, अरे बनते लौट पंडवा में तो तू सबक सिखाऊंगी। कहने लगी सिक्का लगुन चढ़ेंगे तो पे, सिक्का लगुन चढ़ेंगे तो पे, और तू बचन मान ले मेरा, और तेरे संग परेंगे तेरा। आज
इस तरीके से रानी द्रौपदी जयद्रथ से कह रही है, और सुनिएगा साहब क्या कहने लगी, क्या बताया। अरे नीच शर्म नहीं तुझको। ध्यान दीजिए, रानी द्रौपदी कह रही है भैया धर्मवीर। अर्जुन और भीम के हाथों ले जल्दी पड़ी है।
गाना भी कहां से भैया धर्मवीर? आज रावण माँ सीता का हरण कर लेता है। आहा सजनो, इधर में आज रावण की पत्नी मंदोदरी और रावण को समझा रही है। भैया धर्मवीर किस प्रकार कैसे समझाने लगी? जरा ध्यान से सुनो भैया धर्मवीर, कहा और लोटा दे पिया सिया और श्री राम की है। क्यों और श्री राम में तेरे जब सब दिल की शंका, रुपया